ऑन द स्टेट ऑफ द पॉइंट अपन बात करते हैं सबसे पहले आई रिलाइड ऑन टू मैनी नोट्स भाई साहब मेरे पास कंपनी ऑडिट के लिए अलग है छोटे चैप्टर्स के लिए अलग नोट्स थे स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स के 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 लिए लिए अलग अलग नोट्स नोट्स थे थे में भी टीचर किसी के हैंड रिटन थे किसी का क्वेश्चन बैंक था किसी का क्वेश्चन बुक था किसी का कंपाइलर था किसी का सर ऐसे का था किसी का हैंड रिटन था किसी का चार्ट था किसी का उड़ता हुआ चार्ट था सब अलग अलग नोट्स है भाई साहब ऑडिट की इतनी सारी मेरे पास पत्थी पत्थी मतलब रद्दी रद्दी इकट्ठी कर रखी थी नंबर टू आय डिड नॉट सॉल्व मॉड्यूल सर मॉड्यूल क्यों भगवत गीता बाइबल कुरान को छोड़ के तुम गए दूसरे ग्रंथों पर भाई साहब घर के ग्रंथों देख लो पहले पेपर मॉड्यूल से था हाँ हाँ पेपर मॉड्यूल से था अच्छा ऐसा इस बार ऐसा आया नहीं 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 पहले भी मॉड्यूल से आता था अभी भी मॉड्यूल से आया आगे भी मॉड्यूल से का भाई साहब कहां से लाएगा आई से नया क्वेश्चन और वैसे भी अब तो न्यू सिलेबस पे वर्किंग चल रही है ना वैसे भी नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है काइंडली वर्क ऑन मॉड्यूल 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 आई डिड नॉट सॉल्व पास्ट पेपर्स आरटीपी मॉक पी क्यों चीजें रिपीट होती है नहीं पता तुमको ओ, नहीं पता आपके महंगा सर नहीं चीजें रिपीट होती है नहीं सर मैं तो कलर वाली बुक से पढ़ के गया था सर हाँ नहीं हुआ फिर भी पास पेपर आरटीपी मॉक आई स्कोर गुड मार्क्स इन टेस्ट सीरीज ले लो ले लो टेस्ट सीरीज ले लो ढाई सौ रुपए ढाई सौ रुपए ढाई सौ रुपए इंडिपेंडेंस डे ऑफर रिपब्लिक डे ऑफर वैलेंटाइन डे ऑफर

रिविजन इन वन पॉइंट फाइव डेज आप अगर एक महीना भी ऑडिट पढ़ लो अगर आप छह महीना भी ऑडिट पढ़ लो अगर वो डेढ़ दिन में अगर रिविजन नहीं होता है तो आप कभी पास नहीं हो सकते आप नहीं हो सकते बिकॉज वो डेढ़ दिन का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप महंगे से महंगा दो सो दो सो तीन सौ घंटे वाला आप ऑडिट कर लो भाई साहब अगर वो डेढ़ दिन में आपका कंटेंट रिवाइज नहीं होना यू कैन नॉट क्लियर ऑडिट यू कैन नॉट क्लियर ऑडिट वो डेढ़ दिन में रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है सो यू नीड टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी इन सच अ वे दैट यू कंप्लीट द एंटायर रिविजन इन वन पॉइंट फाइव डेज मतलब अगर आप एक महीना पढ़ रहे हो फिर आपको पंद्रह करना है वही कंटेंट आपको सात दिन में रिविजन करना है वही कंटेंट आपको तीन दिन में रिविजन करना है वही कंटेंट आपको वन पॉइंट फाइव डेज में रिविजन करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है सर आई फॉलोड पर रैंकर ए आई आर ठीक है बेस्ट टीचर बेस्ट 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 स्टिल आई कुड नॉट क्लियर आई फॉलोड हंड्रेड डे स्ट्रैटी फिफ्टी डे स्ट्रैटेजी थर्टी डे स्ट्रेटजी फिफ्टीन डे स्ट्रेटी फाइव डे स्ट्रेटी वन पॉइंट फाइव डे स्ट्रेटी वन डे स्ट्रेटी वन आवर स्ट्रेटजी एवरी शेट इज ए वर्ल्ड स्टिल आई कुड नॉट क्लियर बिकॉज दैट कैनॉट वर्क फॉर एवरी वन इट इज अ वेरी जेनरिक थिंग वॉट इज गुड फॉर अ रैंकर ही गॉट अ रैंक बिकॉज ही वर्क हार्ड फॉर अ रैंक इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर यू वो शायद सत्रह घंटा अठारह घंटा पड़ता होगा आप शायद छह घंटे में वो सेम चीज करते होंगे शायद वो चतु होगा स्थान 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 आपको फट से समझ में आती होगी वर्ट एवर इज बेट फॉर द टॉपर और द रैंकर और जिसको लाइक अस्सी मार्क है सत्तर मार्क है इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर थोड़ी सी चीजें लेनी है एंड इंप्लीमेंट करनी है आप सेम चीज फॉलो नॉट नेसेसरी कि आपको भी सेम सेम मार्क्स या रैंक वहां पर आपको अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ है ना आपको वो निकालनी है आपको अपनी वीकनेस निकालनी है और वो वीकनेस पे काम करना है खाली सर आई डिड आई डीड एस से ऐसे ऐसे मैं के एग्जाम में ऐसे पे जाके ऐसे लिख कर आया मैं सर मार्क्स बत्तीस चौतीस छत्तीस कमर कमरिया टिटिंग 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 कमरिया बस वही क्यों हाँ, सर हमारी महंगे से महंगे टीचर की बुक में पहला चैप्टर आप भी निकाल के देखना आपको मिलेगा पहला चैप्टर स्टैंडर्ड ऑन 250 ढाई सौ पेज मिनिमम बच्चा वहीं आउट मम्मी ने कहा है, सीधे रास्ते चले पहला चैप्टर स्टैंडर्ड्सिंग दोस्त ओम गम गति जय सरस्वती जय 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 महाकाल भद्रकाली चार दिन आठ दिन ऐसे दिन ऐसे एक महीना ऐसे बस और अभी किये, किये, सर अभी खत्म होने वाला है ऐसे कैसे किए ऐसे किए सर ऐसे कैसे किए ऐसे किए ऐसे बाकी का है करेंगे सर आराम से बाकी अपन YouTube से कर लेंगे सर भाई साहब ऐसे एग्जाम में आता है मैक्सिमम तीस मार्क का हद पार तीस कभी बत्तीस पैंतीस भी आया हुआ है बट तीस के राउंड ही पेपर 120 मार्क के आसपास है 120 122 124 मतलब <laughs> बाकी 70 80 मार्क लंबे मार्क टॉपिक सी एफ एस पीएर रिव्यू एनबीएफसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बैंक ऑडिट इंश्योरेंस ऑडिट फिस्कल फिक्स चैप्टर है <laughs> हर अटेम्प्ट में आते अमेंडमेंट भी नहीं है सेम आते वापस आएंगे वापस आएंगे वापस आएंगे वापस आएंगे वापस आएंगे, बापस आएंगे। ये लो ऑडिट नवंबर बाईस ऑडिट जिन्हें मेरा दिल लुटिया न्यू क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आया ठीक है स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल नवंबर बीस का क्वेश्चन स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल मई उन्नीस का आरटीपी जुलाई इक्कीस का पेपर स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल नया नवंबर अठारह का क्वेश्चन स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल पीएम का क्वेश्चन है एनिक वो नया क्वेश्चन आया स्टडी मटेरियल मे पंद्रह का पास क्वेश्चन अगेन वो मॉडल में पढ़ा हुआ है स्टडी मटेरियल एक नया क्वेश्चन आया मॉक टेस्ट पेपर से क्वेश्चन आया तीन क्वेश्चन नहीं थे बाकी सब सेम था इतना तो मैं चाहता हूँ कि आई नया कुछ तो बना के दे वायटी तो दे सेम था पूरा पहली बार नहीं हुआ है हर वक्त ऐसा ही हुआ है हर वक्त हर वक्त ऐसा ही हुआ किसी को जानना स्टैंडर्ड्स कितने मार्क के आते थे ये लो जुलाई इक्कीस का है जुलाई इक्कीस ये 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 सब आए हुए दिसंबर में, में अपडेट कर दिया रहा ये ये लो 19 से ले रखा अठारह मार्क तेईस मार्क चौतीस मार्क नवंबर बीस में बार आया था जब वो टफ पेपर आया था कोविड के बाद वाला चौबीस पच्चीस उन्नीस ठीक है उन्नीस मई बाईस में उन्नीस मार्क नवंबर बाईस में उन्नीस मार्क का उतना ही है इन ऑडिट

अच्छा ये चैनल में ये कहा गया था ये कहा गया था पूरा नहीं लिखने का जैसे अभी मैं बोलता जॉइंट ऑर्डर फाइनेंशियल ऐसे टू नाइन नाइन है अच्छा तो पहला पॉइंट है मेरा डिवीजन ऑफ वर्क वाली बात होती है एज पर पीरियड एज पर जोग्राफिकल लोकेशन ऐसे स्क्रिबल करने का फिर सर जॉइंट ऑर्डर जनरली क्या होता तो है यूनानीमस रिपोर्ट देंगे पर वो सपरेट रिपोर्ट भी दे सकते हैं सर पर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ऐसा स्क्रबल करने का लाइक यू रिवाइज ओवलीश मेमोरी में फोटी बाई टेन बाई टेन टेक्निक एवरी ऐसे एक घंटे में आराम से हो है ठीक है थ्री बड़ा है थ्री थर्टी शायद थोड़ा सा बड़ा है उसमें टाइम लग जाएगा बाकी मैक्सिमम सारे ऐसे एक घंटे में होते हैं एक से इकतीस साल खाली स्टैंडर्ड्स फिर एक से इकतीस सारी खाली एक खाली स्टैंड एक घंटा रोज रात को जैसे रोज खाना खा तो डिनर डिनर के बाद खाली स्टैंडर्ड बेड पे लेट के नीचे ज़मीन पर सोफे पे टंगड़ा ऊपर करके अपना पेट में सुंडी पे सुंडी नेवल ठीक है बैली बच्चन उस पर कुछली करते गुजराती में मुझे किसी बच्चे ने कहा था सुंडी को कुछ तो कहते हैं ड्यूटी 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 आई वॉज इन अहमदाबाद लास्ट वीक मुझे किसी ने कहा ड्यूटी ड्यूटी नेवल को ड्यूटी कहते हैं वहाँ पर कुछ आते हुए वहाँ पढ़ रहे पढ़ने दो भैया कोई बात नहीं रोज एक घंटा स्टैंड करने का पच्चीस मार्क तीस मार्क इंपॉर्टेंट है मेरे को वहाँ पर पंद्रह अठारह बीस बाईस आ जाए बोनस है, है मेरे लिए आई विल प्ले ओनली और माई सेवेंटी एट्टी मार्क्स वहाँ पर मेरे को खेलना है ये मेरे लिए बोनस होगा करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन उसी पर आता है हमेशा बट तरीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समझा आपको ईजी है ऑल दो पीपल हु नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प मैंने आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप बता रखा है वहां पर मैसेज कर सकता है डेफिटलीट रिप्लाई यू आई मे नॉट रिप्लाई ऑन द सेम डे बट आल रिप्लाई इन वन अ डे और टू एंड आई सॉल्व ऑल योर डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट देर अब कहीं भी टीचर से पढ़ो आप शूट योर डाउट आई डोंट सॉल्व एनी टीचर का बुक हाँ आपका कोई जनरिक डाउट है मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन है आरटीपी का कोई क्वेश्चन है मॉक पेपर का कोई क्वेश्चन आप डालो वहां पर फोटो क्लिक करके आई पुट आई रिजॉल्व द डाउट इमीडिएटली बट मेक श्योर मे तेईस आखिरी बार आपकी बार आखिरी बार आपकी बार मैं पार आपकी बार आखिरी बार आपकी बार मैं पार ओके माय रिकॉर्डेड कंटेंट इज अवेलेबल इन इंग्लिश वर्जन आल्सो इन हिंदी वर्जन आल्सो फाइनल का भी इंटर का भी दोनों का ऑडिट एंड बॉम्बे में मैं फेस टू फेस बैच ले बैचलेर हूँ अराउंड मार्च में है सो बॉम्बे में फाइनल इज फ्रॉम फर्स्ट मार्च टू सेवेंथ मार्च सात दिन एंड अराउंड एटी अपना चार्ट बुक एंड क्वेश्चन बुक ठीक है इट्स ऑडिट fast track इंटर इज फ्रॉम 11 टू फिफ्टीन अप्रिल्रिल टाइमिंग इज एट टू फोर लोकेशन मॉम्बे बॉम्बे अंधेरी क्लास अभी हम ढूंढ रहे हैं मिल जाएगी आपको बताया पर अंधेरी में ही होगा अंधेरी ईस्ट में ही होगा वो भी मैं बता दूँ आपको कहीं ना कहीं स्टेशन के, के पास ही होगा वो यू कैन कॉन्टैक्ट एट फोर फोर एट फोर फोर एट नाइन वन नाइन फॉर देट एंड जिसको रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए रिकॉर्ड ले सकते हैं ऑलरेडी अवेलेबल है लास्ट बैच हाई टेकर ऑन द जूम उसी की रिकॉर्डिंग हम दे रहे हैं. कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं आर टी पी में क्लियरफिकेशन आएंगे मैं आपको यूट्यूब पर करा आर टी पी आएगी वो भी यूट्यूब पर हो जाएगी सम्मानस स्कोर एटी सेवन मार्क्स इन इकोनॉमिक लॉस सम स्कोर नाइन्टी वन मार्क्स इन इकोनॉमिक लॉस ईशा एक और बच्चा मिला है हमको यश उसका भी मैं इंटरव्यू लेकर आऊंगा नाइनटी वन मार्क्स ई एफ को इन इकोनॉमिक लॉस नाइन्टी वन मार्क्स सो लोग पास होते हैं मार्क्स आते हैं रैंक आते हैं आप भी लेकर आइए तरीका अच्छा लेके जाइए बस आप जिस भी टीचर ऑथर को आप फॉलो कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है आप सबको फॉलो मतलब सबको फॉलो मत, सब मत करो किसी एक को ही फॉलो करो ब्लाइंडली उन्हीं को फॉलो करो उनकी सारी स्ट्रेटेजी उनकी सारी चीज़ें एंड प्लस मॉड्यूल इतना कर लिया वो टीचर प्लस मॉडल दो ग्रंथ हाथ में लेके चलो दो हथियार पक्का पास हो टू महीने को मत करो जो पिछले टाइम में गलती की आपने आपको ही तकलीफ होगी फिर ठीक है एंजॉय पक्का पास है अब की बार आखिरी बार अब की बार मैं पार